एक ट्रेन जिसके सारे डिब्बों में फ्यूल भरा हुआ है वह बिना किसी ड्राइवर के तेजी से पटरी पर दौड़ रही है, जिसे रोकना अब लगभग मुमकिन यानी नामुमकिन है क्योंकि इस ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए हैं और इसने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। अगर ट्रेन पटरी से उतरी तो इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि हजारों लाखों लोगों की जान जाएगी। अब ये ट्रेन एक बहुत बड़े शहर से होकर गुजरने वाली है जहाँ पर इसके पलटने के पूरे पूरे चांस है। और इतना ही नहीं, ये ट्रेन जिस पटरी पर जा रही है उसी पटरी पर सामने से एक बच्चों से भरी हुई ट्रेन आ रही है। तो क्या अब इस अनस्टॉपेबल ट्रेन को कोई रोक पाएगा या फिर शहर के सारे लोग मरने वाले हैं? तो अपने कानों में ईयरफोन डालकर बैठ जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक्शन और थ्रिलर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कहानी की शुरुआत में हम विल को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठा अपनी बीवी और बच्चों को देख रहा होता है क्योंकि फिलहाल विल और उसकी बीवी के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है। अब विल अपनी बीवी को फोन करता है लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती है, जिसके बाद विल अपने काम के लिए निकल जाता है। विल एक ट्रेन का कंडक्टर होता है जो आज ट्रेन नंबर 1206 में जाएगा। अब विल आज के अपने साथी फ्रैंक को ढूंढ रहा होता है जो उसके साथ ट्रेन चलेगा। फ्रैंक एक बहुत ही अनुभवी ट्रेन ड्राइवर होता है जो पिछले 28 सालों से ट्रेन चला रहा है। अब हमें दूसरी तरफ की पटरियों पर खड़ी ट्रेनों को दिखाया जाता है जिसके पास डूवी और ग्लिस खड़े होते हैं। उनका काम होता है ट्रेन नंबर 777 को D16 की पटरी से हटाना, लेकिन वे दोनों इस बात को भूलकर गप्पे लड़ा रहे होते हैं। अब मैनेजर उनको कहता है कि तुम ये काम जल्दी करो क्योंकि D60 पर 150 स्कूल से बच्चों से भरी हुई ट्रेन आने वाली है और उनको ट्रेन को D10 की पटरी पर शिफ्ट करने को कहते हैं। अब डूवी ट्रेन को पटरी से हटाना शुरू करता है लेकिन तभी नीचे खड़ा ग्लिस डूवी से कहता है कि रुको, ट्रेन के नीचे दोनों हवा वाले पाइप खुले हैं इसलिए दोनों एयरबैग काम नहीं करेंगे। लेकिन डूवी नहीं मानता है, वह कहता है कि इसे D10 की पटरी पर ले जाकर जोड़ देंगे। उधर हम फ्रैंक और विल को देखते हैं जो एक दूसरे से जान पहचान करते हुए अपने ट्रेन के पास जा रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि वे अपनी ट्रेन 1206 के इंजन के पास पहुंच गए हैं। हमें पता चलता है कि विल की पत्नी ने विल को घर से बाहर निकाल दिया है और कोर्ट में कोई केस चल रहा है। अब हम वापस डूवी को देखते हैं जो ट्रेन नंबर 777 को धीरे धीरे दूसरी पटरी पर ले जा रहा है। नीचे खड़ा ग्लिस उसे जानकारी देता रहता है कि पटरी पर कितनी बोगियां पड़ी है और कितनी निकल गई है। तभी डूवी देखता है कि D10 की पटरी का स्विच गलत है जिस कारण ट्रेन D16 की तरफ मुड़ जाएगी। ग्लिस डूवी से कहता है कि हम ट्रेन को थोड़ा पीछे ले लेते हैं, लेकिन डूवी ट्रेन को धीमे गियर पर डालकर खुद नीचे आ जाता है और वह कहता है कि मैं पटरी को बदल कर वापस चढ़ जाऊंगा। ग्लिस बहुत मना करता है, वह कहता है कि तुम वापस लौट जाओ। अब जैसे ही डूवी ट्रेन से नीचे उतरता है तो थोड़ी देर बाद ट्रेन के ऑटोमेटिक गियर लग जाते हैं, जिसके बाद डूवी दौड़कर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है। दूसरी तरफ अब हम फ्रैंक को देखते हैं जिसकी आज बेटियों का जन्मदिन है। वह अपनी बेटियों को फोन करके उन्हें विश करता है लेकिन फ्रैंक की बेटियां उससे नाराज होती है क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और उनके पिता उनके पास नहीं है, तो वह कॉल कट कर देती है। अब हम देखते हैं कि नीचे खड़ा विल ट्रेन के इंजन को सही करने में लगा है, जिसके बाद फ्रैंक और विल ट्रेन के इंजन को लेकर उसे बोगियों से कनेक्ट करने के लिए जाते हैं। अब हमें वापस ग्लिस और डूवी को दिखाए जाते हैं जो भागते हुए कोने के पास जाते हैं। जो वहाँ की हेड इंचार्ज होती है वह कोनी से कहते हैं कि ट्रेन उनके हाथों से निकल गई है और उनमें ड्राइवर भी नहीं है। कोनी कहती है कि तुम लोग जल्दी से गाड़ी लेकर उस ट्रेन के पीछे जाओ क्योंकि अभी उसकी इतनी रफ्तार नहीं है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ट्रेन 777 काफी रफ्तार पकड़ चुकी है और उसी पटरी पर सामने से बच्चों से भरी हुई ट्रेन भी आ रही है। लेकिन समय रहते ट्रेन के ड्राइवर को बता दिया जाता है कि सामने से ट्रेन आ रही है और उसे खाली पटरी पर ले जाओ। कोनी अब उस रूट की सभी ट्रेनों को रुका देती है। अब कोनी नेट से कहती है कि तुम तुरंत जाकर रेल की पटरी का रास्ता बदल दो, लेकिन जब तक नेट वहां पर पहुंचता है तब तक ट्रेन 777 वहां से निकल चुकी थी क्योंकि अब उसने और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ ली थी और वह तेजी से एकदम बच्चों वाली ट्रेन के पास से गुजरती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल और फ्रैंक बोगियों को ट्रेन के इंजन से जोड़ने में लगे हुए थे। उधर पीछे डूवी और ग्लिस ट्रेन को पकड़ने में लगे हुए थे। एक समय पर ग्लिस ने ट्रेन को लगभग पकड़ ही लिया था लेकिन आगे मोड़ आ जाने के कारण ट्रेन मुड़ गई और वह एकदम पीछे रह गई। अब हम वापस पीछे देखते हैं कि फ्रैंक और विल के बीच बहस शुरू हो गई है क्योंकि विल ने गलती से ट्रेन में 5 बोगियां ज्यादा लगा दी थी जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता था। तभी कंट्रोल रूम से फोन आता है और वे ट्रेन 1206 को कहते हैं कि ट्रेन को आगे खाली पटरी पर ले लो क्योंकि एक बिना ड्राइवर की ट्रेन बहुत ही तेजी से तुम्हारे सामने आ रही है। अब कोनी को हेडक्वार्टर से केल्विन का फोन आता है।
कोनी कहती है कि हमें ट्रेन को आगे खाली खेतों में पटरी से नीचे उतारना होगा, नहीं तो उस शहर में भारी हादसा हो जाएगा। लेकिन केल्विन इस बात को नहीं मानता है। वह कहता है कि ऐसा करने पर कंपनी को करोड़ों का नुकसान होगा और वह जिद करता है कि ट्रेन को दूसरे तरीकों से भी रोका जा सकता है। अब हम ट्रेन 777 को देख रहे हैं जो रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर आगे बढ़ रही है। वहीं केल्विन के ऑर्डर पर दूसरे इंजन को ट्रेन के सामने भेज रहे हैं ताकि ट्रेन की रफ्तार को धीमा कर सकें, और साथ ही स्कॉट को भी हेलीकॉप्टर से ट्रेन पर उतारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वे नाकाम हो जाते हैं क्योंकि ट्रेन पर उतरने के दौरान स्कॉट घायल हो जाता है और उसे वापस ऊपर खींच लिया जाता है। वहीं हम देख रहे हैं कि ट्रेन नंबर 777 को दूसरे इंजन द्वारा मेन पटरी से नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक ट्रेन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और ट्रेन 777 अपने से आगे वाले इंजन को उड़ा देती है और इंजन एक विस्फोट के साथ तबाह हो जाता है, जिसके अंदर के ड्राइवर की भी जान चली जाती है। अब ट्रेन 777 और ट्रेन 1206 एक दूसरे के सामने आ रही है और ये बात हेडक्वार्टर को मीडिया के थ्रू पता चलती है। फ्रैंक अब आखिरी बार अपनी बेटियों को कॉल करता है और उनसे बात करता है क्योंकि किसी भी वक्त उनका सामना 777 से हो सकता है और हादसे में उनकी जान जा सकती है। लेकिन एन मौके पर 1206 दूसरी पटरी पर ट्रांसफर हो जाती है। हालांकि इस दौरान 777 1206 के पीछे की दो बोगियां भी उड़ा देती है, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल जाता है। अब फ्रैंक देखता है कि ट्रेन 777 के पीछे का हुक खुला था। वह विल से कहता है कि अगर हम ट्रेन के पीछे इंजन को रिवर्स में ले जाए तो हम शायद ट्रेन को पकड़ सकते हैं और उसके बाद उसे उल्टी दिशा में खींचने से उसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। उधर सरकार भी ट्रेन को पटरी से नीचे उतारने का प्लान बनाती है। अब विल और फ्रैंक इंजन को रिवर्स में दौड़ाते हैं ताकि वे ट्रेन 777 को पकड़ सकें। जब ये बात फ्रैंक कोनी को बताता है तो वह उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन फ्रैंक किसी की भी बात नहीं सुनता है क्योंकि वह जानता था कि सरकार अब किसी भी तरह से उस ट्रेन को नहीं रोक पाएगी और वह इंजन को 10 गुना तेजी से उस ट्रेन के पीछे रिवर्स में दौड़ाता है। अब सरकार जहाँ पर ट्रेन को पटरी से नीचे उतारने वाली थी वहाँ पर एक पूरा का पूरा शहर था जिसे तबाह होने से किसी भी हालत में नहीं बचाया जा सकता था, क्योंकि ट्रेन एक चलती फिरती मिसाइल थी और सभी समझदार लोग इस फैसले के खिलाफ थे। अब केल्विन फ्रैंक को ट्रेन के इंजन को रिवर्स में ले जाने से मना करता है, लेकिन फ्रैंक उसके भी बात नहीं सुनता है। अब जो सरकार ने प्लान ट्रेन को रोकने के लिए बनाया था वह पूरी तरह से नाकाम हो जाता है क्योंकि ट्रेन रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़कर आगे बढ़ रही थी और फ्रैंक ने पहले ही बताया था कि ट्रेन को किसी भी तरह से नहीं रोका जा सकता है। अब विल भी अपनी पत्नी को आखिरी बार फोन करता है क्योंकि शायद इसके बाद उनकी मुलाकात फिर से कभी ना हो, लेकिन उसकी पत्नी सो रही थी और वह इस बार भी फोन नहीं उठाती है। जब ट्रेन 1206 का इंजन शहर के बीच से निकलता है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि एक अकेला इंजन ट्रेन 777 के पीछे दौड़ रहा था और ये न्यूज अब हर जगह दिखाई दे रही है, जिस वजह से टीवी पर इस न्यूज को विल की पत्नी भी देखती है और फ्रैंक की बेटियां भी, जिसके बाद उनको घबराहट होने लगती है। अब एक समय बाद वे लोग 777 के बहुत ही करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन इंजन कनेक्ट नहीं हो पाता है, जिसके बाद विल बीच में जाकर जोड़ने की कोशिश करता है। इस दौरान उसका पांव बीच में आ जाता है और वह नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है। उसका पैर पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है, लेकिन वह किसी तरह हिम्मत करके इंजन को 777 से कनेक्ट कर ही लेता है और ये सब कुछ लाइव टीवी पर चल रहा था। इंजन को कनेक्ट करने के बाद विल अब वापस इंजन के अंदर आ जाता है। ये सब कुछ विल की पत्नी भी देख रही थी। अब जैसे ही इंजन कनेक्ट होता है, फ्रैंक ट्रेन की रफ्तार धीमी करने की कोशिश करता है क्योंकि अब ट्रेन शहर से सिर्फ और सिर्फ 3 मील की दूरी पर थी और शहर में एक जगह पर ट्रेन की पटरी ऊपर होकर मुड़ती है, जहां पर ट्रेन पूरी तरह पलट जाएगी और पूरा शहर तबाह हो जाएगा। अब सभी विशेषज्ञों और एक्सपर्ट ने बता दिया था कि वह ट्रेन इस मोड़ को किसी भी हालत में पार नहीं कर पाएगी, लेकिन फ्रैंक अभी भी ट्रेन को रोकने की पूरी कोशिश करता है। वह 1206 के इंजन के सारे ब्रेक लगा देता है, तब जाकर रफ्तार थोड़ी धीमी होती है। उधर सभी लोगों के दिल की धड़कने भी तेज हो रही है क्योंकि ट्रेन शहर से सिर्फ 3 मील की दूरी पर थी। 777 बहुत ही शक्तिशाली थी, इसलिए वह इंजन को घसीड़ना शुरू कर देती है, जिस कारण स्पीड और बढ़ने लगती है। अब विल को एक आइडिया आता है कि वह जाकर ट्रेन के हर एक डिब्बे का ब्रेक लगाएगा, लेकिन फ्रैंक कहता है कि यह काम मैं करूंगा क्योंकि तुम्हारा पैर जख्मी है।
अब फ्रैंक जाकर सभी बोगियों के ब्रेक लगाता है जिस कारण ट्रेन की रफ्तार धीमी होती है। लेकिन तभी 1206 का हैंड ब्रेक टूट जाता है और रफ्तार फिर बढ़ने लगती है और ट्रेन उस मोड़ पर पहुंच जाती है। लेकिन फ्रैंक एक बहुत ही अनुभवी ड्राइवर था, वह जानता था कि ट्रेन को किस तरह से पलटने से बचाया जा सकता है, इसलिए वह विल को गाइड कर रहा था कि कब ब्रेक लगाना है और कब नहीं, और इस तरह वे लोग ट्रेन को पलटने से बचा लेते हैं। ऐसे कई मौके आए जब ट्रेन सिर्फ एक तरफ से चल रही थी, लेकिन फिर भी फ्रैंक ने अपनी बहादुरी से ट्रेन को पलटने से बचा ही लिया। अब एक ही काम बाकी था कि किसी तरह ट्रेन 777 के इंजन तक पहुंचकर उसे रोकना, और इस बार ये काम विल करता है क्योंकि नेट गाड़ी लेकर आ जाता है और विल गाड़ी में कूदकर 777 के इंजन तक पहुंच जाता है और वह ट्रेन को रोक लेता है। ये देख सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि सभी लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन फ्रैंक और विल ने ये कर दिखाया। अब विल के पास उसकी पत्नी भी वापस आ जाती है जो उससे बहुत नाराज थी, और वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फ्रैंक और विल लोगों की नजरों में हीरो बन जाते हैं, और ये हीरो रियल लाइफ हीरो होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उस ट्रेन को रोका। अब मूवी के अंत में हम देखते हैं कि फ्रैंक को प्रमोशन मिल चुका है और डूवी और गिलिस को नौकरी से हटा दिया जाता है क्योंकि उनकी गलती से लाखों लोगों की जाने जा सकती थी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। धन्यवाद।